सो गाइस, जैसा कि हमारे सामने एक क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्लास 10th का है, क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं। क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग पॉलीनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलीनोमियल। ये मुझे चेक करना है। पहला पॉलीनोमियल ये है एक्स स्क्वायर फाइव, आई थिंक आप लोगों को सही से नहीं दिख रहा होगा, तो ये हो गया फाइव। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर। ये जो है ये क्या है, इस जो फंक्शन का है, ये जो पी ऑफ एक्स, ये हमारा क्या है पी ऑफ एक्स है, और ये हमारा क्या है ये जी ऑफ एक्स है। ठीक है, इसमें ये देखना जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का फैक्टर है या नहीं है, इसका मतलब ये इसमें आना चाहिए। ठीक है गाइस, तो इसको मुझे किस मेथड से सॉल्व करना है, इसमें लिखा नहीं है, हालांकि क्वेश्चन में दिया हुआ था बाय डिवाइडिंग मेथड, बाय डिवीजन METHOD, डिवीजन मेथड का यूज करते हुए मुझे बताना है। ओके गाइस, सो गाइज जैसा कि क्वेश्चन हमारा ये था, इससे मुझे इसको डिवाइड करना था, इसको डिवाइड करेंगे देन आफ्टर अगर ये रिस्पांस जीरो दे जाता है, ये पूरा कटने के बाद रिस्पांस जीरो आ जाता है, तो ये क्या होगा, ये जो हमारा है ये इस फंक्शन का फैक्टर होगा। ओके गाइज, सो सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व, आप सभी को पता होगा किस तरह से सॉल्व करेंगे हम। डिविजन मेथड हम बता रखे हैं, यहां एक्स की पावर टू है, यहां एक्स की पावर फाइव है, तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, एक्स की पावर थ्री से। एक्स की पावर थ्री से जब हम करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या होगा, यहां x की पावर 5 हो जाएगा, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस थ्री एक्स की पावर 3 है यहाँ पे 4 हो जाएगा, x की पावर 4 हो गया, और ये प्लस x इंटू थ्री दैट मीन्स एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, हालांकि यहां पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इसको हटा दिया है, बाकी अब स्पेस बना लूंगा, तो इसको क्या करूंगा, ये पहले चला आएगा 3x^4 हो जाएगा, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, माइनस साइन है माइनस साइन ये, तो माइनस माइनस से जुड़ जाएंगे माइनस 5x3, और बाकी को उतार लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। प्रयास यही किया जाता है फ्रेंड्स, क्या करेंगे इसको, जितनी पावर्स होंगी पावर सेम पावर वाले को एक साथ में रखते हैं। ओके, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फिर, कितने टाइम जाएगा, यहां एक्स की पावर 4 है प्लस में है तो प्लस लगा लेते हैं 3x^2 और 2 टाइम्स जाएगा, यहां 2 है यहां 4 है तो 2 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस करेंगे माइनस 3x^2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा 9x³ हो जाएगा, और प्लस 1 करेंगे तो प्लस 3x², फिर क्या करेंगे अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगी, ये कट जाएगा, और ये 5 और 4 5 माइनस के साथ है 9 प्लस के साथ है, तो ये क्या होगा 4 हो जाएगा ना, 4x³ हो गया, और फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये क्या होगा, माइनस वाले बड़े की साइन लगती है, बड़े में छोटे सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 में से एक जाएगा तो 2x² और प्लस ये हो गया 3x + 1। ठीक है, अगेन फिर सेम एज इट इज सॉल्व करेंगे, यहां एक्स स्क्वायर है कितने टाइम जाएगा, यहां 4x³ है तो प्लस 4x टाइम जाएगा, 4x टाइम लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x³ हो जाएगा, और माइनस 4 3 12 x² हो जाएगा, और फिर ये क्या होगा प्लस 4x। ठीक है, फिर सॉल्व कर लेंगे माइनस ये प्लस ये माइनस। ठीक है, फिर क्या करेंगे इसको, ये कट जाएगा, यहां बच जाएगा 10x², और ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस, ये क्या होगा 3 और -4 दैट मीन्स -x + 1, फिर कितना टाइम जाएगा, आई थिंक 10 टाइम जाएगा, प्लस 10 टाइम्स जाएगा 10x² एंड माइनस 10 3 30 ऑफ एक्स प्लस 10, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये कट गया, ये 30 में से जाएगा तो ये 29 बन जाएगा 29x, और माइनस और बड़े की साइन बड़े में छोटे सब्ट्रैक्ट। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहां पे जैसा कि रिमाइंडर जो है हमारा जीरो आना था, यहां रिमाइंडर जीरो ना आने की वजह से क्या होगा, द गिवन फैक्टर जो ये हमारा जी ऑफ एक्स, ये क्या था जी ऑफ एक्स था ना, हमने माना था जी ऑफ एक्स, और ये क्या था फंक्शन पी ऑफ एक्स था। ठीक है, जी ऑफ एक्स और ये पी ऑफ एक्स था, तो क्या होगा लिखेंगे दश जी ऑफ एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द
पीबेन पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। ओके गाइज, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो आप लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स।